चुनाव के दौरान नेताओं की ओर से दल बदलना कोई नई बात नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमीत खट्टर ने गुरुवार को पहले कांग्रेस का दामन थामा, फिर दोबारा बीजेपी में लौटा। सुबह उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन शाम को अपनी बात से मुकर गए और फिर बीजेपी प्रत्याशी के साथ रोहतक में नजर आए और मामले पर सफाई भी दी। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल रमीत खट्टर मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे हैं। उन्होंने गुरुवार को शामिल होने का ऐलान किया। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी तस्वीरें भी शेयर की। रोहतक से विधायक भरत भूषण बत्रा की मौजूदगी में रमीत खट्टर कांग्रेस में शामिल हुए। उनके कांग्रेस में जाने से बड़ी हलचल हुई। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमीत खट्टर ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन पूरे मामले पर जब विवाद हुआ तो रमीत बाद में बीजेपी के रोहतक से प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के साथ नजर आए और स्पष्टीकरण दिया। रमीत खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि वो केवल चाय पीने गए थे और उन्होंने विधायक भरत भूषण बत्रक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पटका पहनाया और फिर उनके फोटो खींच लिए। रमीत बोले, वो इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो मनीष जी के साथ खड़े हैं। सुनिए रमीत क्या कुछ बोले। मैं वहां सिर्फ चाय पीने गया था, बीबी मित्रा जी से मिलने, कुछ बातें हुई वहां पर, उन्होंने खड़े थे सभी लोग, रास्ते में ही मुलाकात, वहां उन्होंने पट्टा पहना के फोटो खींचा और इस चीज को वायरल किया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मनोहर लाल जी के भतीजे हैं, वो शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, क्या आपके उस बात में? जी नहीं, मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और अपनी पार्टी के साथ हूँ, मनोहर लाल जी के साथ हूँ। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहते नगरी न्यूज़। शुक्रिया।